का यह हंगामा विपक्ष के विरोध को साफ जाहिर करता है। सदन की शुरुआत हुई और भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते भी विपक्ष घोटालों की जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष के मुताबिक स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में संचार मंत्री ए राजा का इस्तीफा नाकाफी है। राजा का इस्तीफा ये भ्रष्टाचार के विरोधी जनमत की लड़ाई का पहला विजय है और अब ये लड़ाई आगे जारी रहेगी क्योंकि जल्दी दोषियों को सजा होनी चाहिए। हमारी जेपीसी की मांग है क्योंकि राजनेता जहां शामिल है वहां दूसरा कोई आज दिखता नहीं। घोटालों के मामले पर जेपीसी जांच कराए जाने को लेकर लेफ्ट भी बीजेपी के समर्थन में नजर आया, लेकिन लेफ्ट ने सरकार को भरोसा जताया है कि वो सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करेगा। ये मामला यहां कतई खत्म नहीं होता है क्योंकि जब 1,65,000 करोड़ रुपया का नुकसान एक्सचेंबर को हुआ है तो निश्चित रूप पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बहुत तेजी से चलना चाहिए। हमने कहा कि जेपीसी का कोई हमारे तरफ से विरोध नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अब राजा साहब नहीं रहे मंत्री, अब ये मौका है कि पूरी की पूरी जांच गंभीरता से हो क्योंकि ये घोटाला जो हुआ है ये मामूली घोटाला नहीं है। ये पूरे हमारे सिस्टम को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, इसके अंदर कई सारे तथ्य इन्वॉल्व हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं, तो इस सब के दीर्घता से इसके बॉटम तक जाने की जरूरत है। इस बीच सरकार ने विपक्ष की जेपीसी मांग को दरकिनार कर दिया। सरकार ने जेपीसी जांच की मांग को सरासर गलत करार दिया है। इसके अलावा इस मसले का हल ढूंढने के इरादे से वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी जेपीसी ऑन 2G स्पेक्ट्रम और CIG रिपोर्ट बिकॉज इफ यू कॉल इट आफ्टर एज सून एज इट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस इट विल गो टू PAC पब्लिक अकाउंट कमिटी व्हिच इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी दैट इज द Constitutional provision and nobody can alter it. एक और जहां विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में मोर्चा संभालते हुए लगातार सरकार की घेराबंदी में लगा है, वहीं दूसरी ओर सरकार भी विपक्ष के हमलों के सामने डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी है। बहरहाल भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार दोनों ही अपनी रणनीतियों की पूरी तैयारी में नजर आ रही है। धर्मेंद्र मिश्रा के साथ कल्पना कुमारी, न्यूज़ पॉइंट।